हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी लोग। तो अभी शाम के लगभग 6:30 हो रहे हैं और अभी हम ड्यूटी से घर पहुंच चुके हैं। और अभी मैं नक्शू निधि जा रहे खेतों में अपने ब्रोकली की, हमने ब्रोकली काटनी थोड़ी तैयार हो रखी है तो हमने वो काटनी है अभी। और यहाँ जो है वाइफ जा रहे हैं पानी के लिए बाउंडी के पास, पानी लाते हमारे। आजकल गर्मी के दिन हो रहे थोड़े, तो बाउंडी का ठंडा ठंडा पानी पीने बढ़िया रहता है। और यहाँ जो निधि और अक्षु चली गई आगे, रो रही है। तू रो रही है कि दीदी रो रही है? तो बच्चे स्कूल का काम कर रहे थे और अभी स्कूल काम छोड़ के मेरे साथ आ गए। कट ले चल ऊपर। तो हमने इस कट्टे में ब्रोकली निकाल लेनी है। अभी देखते हैं, एक तो बारिश नहीं हुई टाइम की, हमारी ज़्यादातर फसलें जो है बारिश पर डिपेंड होती है क्योंकि हमारी इतना ज़्यादा पानी नहीं होता है। तो देखते हैं इसमें जो भी तैयार होगी। नक्शू इधर बैठ, इसको रहने दो बेटे, नहीं हुए तैयार अभी मटर, इसको रहने दो। तो यहाँ हमारा आपको दिख रहा होगा ऐसे से, ये जो मैंने सारे ब्रोकली के फूल काट लेने हैं, देखते हैं कितना होता है। इस तरफ भी तैयार हो चुकी है। पापा एक ही कट्टा होना है? होने तो कई कट्टे इसमें, पर आज एक ही ले आना काट। पापा ब्रोकली को कच्ची, हमारी जो ब्रोकली इतनी अच्छी वैसे हुई नहीं है, मैंने लगाई भी फर्स्ट टाइम थी। चलो बेचने के लिए भी होगी वैसे, बाकी तो सब्जी तो हमारी रोज़ चली है। इस साल हमने कुछ भी जो बाज़ार से सब्जी नहीं खरीदी है, अपने घर की सब्जी है। कभी गोभी है, कभी मटर, कभी ब्रोकली हो रही है। चलो हमने काट लेना अभी, इसमें होने तो से कई कट्टे, पर एक कट्टा ले जाना हमने काट के, क्योंकि अभी अंधेरा भी हो रहा है। एक कट्टा काट लेना, बाकी देखेंगे किसी और दिन। तो फ्रेंड्स अभी जो है अंधेरा हो रहा है और मैंने यहाँ जो है एक कट्टा अपना ब्रोकली का काट लिया है। चलो इसको लेके अभी हमने घर जाना है। तो इसमें अभी कई, अभी तो शुरुआत पहली बार काटा हमें इस खेत में। तो ब्रोकली जो थी थोड़ी आगे पीछे तैयार होती है, एक साथ तैयार नहीं हो रही है, पर जितना जितना तैयार हो रही है हमें साथ साथ काटते रहना है। चलो चलते इसको लेके भी घर। चलो निधि, सब जा रहे हैं हम घर। जितनी पापा ने वो कट्टे में भरे थी वो सारे लेके हम जा रहे हैं। उसके बाद कल या संडे को हमारे जो ब्रोकली के फूल है ये थोड़े छोटे हैं, इसका साइज़ इतना बड़ा नहीं हो पाया है क्योंकि हमारे को पानी की थोड़ी कमी होती है खेतों में, उस वजह से इसका प्रॉपर साइज़ नहीं बन पाया है। फिर भी ये काफ़ी अच्छे हैं जिस हिसाब से हमारे पानी खेतों में। यहाँ जो है लगभग अभी रात के 8 बज रहे हो गए और अक्षु जो है सोने की तैयारी में है, हमने भी डिनर कर लेना है। चलो चलते अभी किचन में कर लेते डिनर। यहाँ जो पापा जी लस्सी बना रहे हैं घड़े में, हमारे लस्सी जो हाथ से बना रहे हैं, वैसे मशीन भी पर उसमें इतनी सही तरीके से बनती नहीं है। और निधि कर रही है आज पाती बनाने की तैयारी। मैंने कट्टा यहाँ रख लिया ब्रोकली का। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मैं अपना पिछले ब्लॉग कटिंग कर रहा हूँ। अभी सुबह के लगभग 5:15 हो रहे हैं और अभी मैं और वही पे हैं। तो अभी जो मैंने सब्जी मंडी जाना है तो उसी की तैयारी हो रही है। यहाँ जो वाइफ ने चूल्हे में आग जला दी है और ये सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो है मैंने सब्ज़ी मंडी भी जाना है और साथ में ड्यूटी भी जाना है। तो जो है खाना बनाना होता है तो सुबह जल्दी, क्योंकि मैं जल्दी जाना है, तो जैसे तो खाना भी जल्दी बनाना तैयार करना पड़ता है। तो यहाँ और ये मेरी सब्ज़ी बनाने की तैयारी। चलो मैंने भी अभी तैयार हो लेना नहा धो के, क्योंकि लगभग 6:15 तक हमने निकल जाना है यहाँ से। तभी लगभग आधा पौने घंटे का हमारा रास्ता है, आधा घंटे का सब्ज़ी मंडी तक। सुबह जितना जल्दी पहुँचा जाए मंडी उतना ही बढ़िया रहता है। चलो चलते अभी सब्जी मंडी। तो यहाँ जो है मैं पहुँच चुका हूँ कट्टे लेके यहाँ स्कूटी के पास अपने। तो मेरे एक कट्टा आगे पूरी तरीके से आ नहीं रहा था तो मैंने दो कट्टों में डाल दिए है। चलते इसको लेके सब्जी मंडी। अब जो है सुबह का समय काफ़ी बढ़ चुका है, अभी लगभग 6:15 हो रहे होंगे और अभी धूप निकल चुकी है पूरे तरीके के साथ। चलो चलते अभी सब्जी मंडी।
तो यहाँ जो मैं सब्जी मंडी पहुँच चुका हूँ, सब्जी मंडी सोलन, और मैंने यहाँ अपने कट्टे उतार लिए स्कूटी पे से। चलो इसको लेके हमने जाना अभी अंदर सब्जी मंडी पे, जहाँ इसकी ऑप्शन होती है। ऑप्शन तो क्या साथ साथ ही बिक जाता है, क्योंकि छोटा माल होता है, जो यहाँ घर का लोकल जो चलाता है सौदा साथ साथ बिकता रहता है। बाकी आज तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है मंडी पे, क्योंकि आज डबल मंडी है। आज यहाँ पे लोकल सौदे कम और बाहर के सौदे ज़्यादा रहते हैं, बाहर की मंडियों से माल पहुँचता है यहाँ बिकने के लिए। उस वजह से यहाँ काफ़ी रश मिल रहा है आज देखने को, और यहाँ हर एक सब्जियाँ, टमाटर, हर एक चीज़ देखने को मिल रही है। जब सब्जी वगैरह ज़्यादा होती है तो ग्राहक भी ज़्यादा होते हैं मंडी में। एक मंगलवार और एक वीरवार को शायद यहाँ पे डबल मंडी होती है, उस वजह से आज भीड़ ज़्यादा है। अच्छा, मैं भी यहाँ ब्रोकली लेके पहुँच चुका हूँ, तो आज देखना होगा नीचे की ज़्यादा सब्जियाँ आई हुई, बैंगन, घिया, हरा धनिया, हर एक चीज़ यहाँ पहुँच रखी है आज। तो मेरी जो है ब्रोकली भी यहाँ बिक चुकी है, तो आज जो है मेरी ब्रोकली का रेट यहाँ पे 30 रुपये लगा, तो क्योंकि नीचे से काफ़ी आज ब्रोकली थी भी यहाँ काफ़ी आई हुई, उस वजह से रेट नहीं है, नहीं तो इसका रेट काफ़ी अच्छा रहता है अगर मंडी पे ज़्यादा ना पहुँचे। चलो जो भी मैंने बढ़िया है। तो फ्रेंड्स, आज जो है अपनी वीडियो का एंड भी यहीं कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।